सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रम व्लॉग्स। तो गाइस, नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है छत से। आप देख सकते हो गाइस, अभी का ये समय गाइस, अभी जा रहे हैं मैं और मुदस्सर गाइस नील। आप सबको पता होगा कि गाइस जम्मू में ना गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, तो हमसे गाइस क्यों ना हम गाइस गर्मियां थोड़े अपने गाँव में भी काटे, वहाँ पे भी गाइस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आप सबको भी दिखाएंगे गाइस बहुत सी प्यारी सी चीज़ें गाइस, और अपना गाँव भी गाइस एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा भी आएगा गाइस, ठंडा मौसम भी है वहाँ पे। तो फिलहाल गाइस मैं और मुदस्सर ने अभी फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो अभी आगे जाके मैं दिखाऊंगा आप सबको। तो अभी गाइस हम निकलते हैं यहाँ से, लेकिन गाइस एक बैड न्यूज़ है गाइस, हम बाइक नहीं लेने वाले हैं, हम जा रहे हैं गाइस ऐसी गाड़ी में। तो बट गाइस मैं फिर भी ब्लॉग आप सबके लिए बनाऊंगा गाड़ी में या बाइक पे। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से, आप सबसे आगे जाके मिलते हैं गाइस यहीं पे। फिलहाल निकलते हैं घर से। A few inches later, फिर अभी ना हमने कटिंग भी कर ली यहाँ पे भाई के पास, ये जगह भाई भाई ना गाइस खतरनाक कटिंग की है यार। नंबर भी गाइस इन्होंने टाइम पे दिया, तो अभी कटिंग सी रही है भाई। ये ना अपनी मर्जी से कटिंग करती है, सुबह में बताता हूँ भाई कटिंग कैसे करनी है, और जैसे गर्मी होती है ना मेरे को एकदम ऐसे ही कर दिया कटिंग भाई। ओके, और गाइस अगर किसी को भी आना होगा यहाँ पे कटिंग करने का, लोकेशन बता कौन सी है, जामा मस्जिद के बाहर ना गाइस चौक के नीचे, और साथ में गाइस यहाँ पे मुदस्सर भी हो गया रेडी। अरे कैमरा क्यों खराब हो रहा है भाई, कैमरा में कुछ लगा है शायद से। और यहाँ पे गाइस हमारा दूसरा ट्रैक साइड आ गया भाई इंडिया का, क्या है भाई बराबर ही लगता ट्रैक साइड बोलता हूँ, और मेरे को प्राउड फील होता है। तो गाइस ये रही यहाँ पे लोकेशन भाई की, ऊपर है गाइस ये, यहाँ पे रही गाइस मस्जिद बाहर, और इधर पे इनके दुकान है। अभी गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बताना गाइस कटिंग कैसे लग रही है। आज गाइस मैं हेयर स्टाइल चेंज कर रहा हूं, ये पकड़ ये दिखा हेयर स्टाइल का, खड़ा हो जा भाई, सही है ना। पहले अगर सही लग रहा है हेयर स्टाइल तो लाइक कर देना यार। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से बस स्टैंड पर, बाइक लगी है भाई, भाई पानी कहाँ गया हुआ है, बाकी बढ़िया गाइस। अभी ना मैं जा रहा था मानियार, ऐसे मेरा प्लान था भी कटिंग का, बट गाइस मैंने सोचा फिर अगर मैं ज्यादा टाइम वहाँ पे रुक गया तो मैं वहाँ पे कटिंग नहीं कर सकता था यार, वो मस्ता है क्योंकि मैं यहीं पे करवाता गाइस कटिंग यार, ये बंद हो गई दुकान मैं भी कटिंग नहीं करूँगा फिर। तो चल अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते सीधा बस स्टैंड जाके भाई। सो गाइस ये चुक रहा, अभी हम बस स्टैंड में आ गए, यहाँ पे गाइस भाई ने पूछा दिया, तो अभी ये घर जा रहा है, तो चल फिर जा। ओके बाय बाय, ठीक है फिर, ओके निकलते हैं अभी हम गाइस। अभी हम यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं, हम कॉल वगैरह करेंगे, क्या पता अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर वापस आएंगे। ये इलेक्ट्रिक बस कहाँ जाएगी, इसी में चलते हैं, एसी वाली बस में देखते हैं गाइस ये कहाँ जाएगी। हैं, हम इसी में चलेंगे फिर उधमपुर तक। सो गाइस अभी हम बस स्टैंड से निकल के जम्मू बस स्टैंड से, अभी पता नहीं गाइस आवाज़ कैसे आ रही होगी, मैंने गाड़ी के बाहर निकाला हुआ है फोन, तो फिर गाइस हम पहुँचने वाले हैं आज। तो गाइस हम पेट्रोल नहीं डलाएंगे आज, गाड़ी डलाएगी पेट्रोल, और बाकी गाइस यहाँ पे चश्मा चेक करो, वो गप सुना चश्मे वाली गप सुना, चश्मे वाली गप सुना, गैस बंदा बोल रहा था कि इसका 200, मैंने कहा सीधे बोलते 50 लास्ट, बाय बाय बात खत्म, बंदा बोलता ले जाओ भाई, एक सेकंड में मान गया बंदा, है ना, बंदे के साथ गैस गप हो गई भाई, 200 बोल रहा था गैस सीधे, 50 में मान गया भाई। गैस अब मेरे को रेग्रेट हो रहा है कि यार मैंने 20 रुपये बोलना चाहिए था यार, वो जल्दी मान गया यार, है ना, 20 रुपये बोलने चाहिए थे गैस। अगर आप कुछ भी ले रहे हो ना, अगर आप समझ लो कि यार 100-200 की चीज़ है, तो जितना हो सके ना गैस उतना कम बताओ। मैंने गैस गलती कर ली 50 रुपये बता के यार, वो मान के एकदम से 20 रुपये बता दिया होता तो ज़्यादा ठीक करता यार। तो अभी गैस हम जम्मू से निकलते हैं यहाँ से यार, गाड़ी में गैस क्या ब्लॉग शूट करो यार, मेरे को पता है ये भी पता नहीं है आवाज़ कैसे आ रही होगी यार, मन ही ख़राब हो जाता है फिर ब्लॉग शूट करने का। और ये देखो लोग भी इतने ज़्यादा, गर्मी भी हो रही है, रिएक्शन चेक करो भाई, ये देखो देखो सबके रिएक्शन कितने खतरनाक है भाई, और यहाँ पर बैठा हम फ्रंट पे, आपको लगा के दिखाता हूँ चश्मे तो दिखाना मेरे को, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहा हूँ मैं, कैसे लग रही है, सही है। चलो गाइस अगर अच्छी लग रही होगी एक लाइक कर देना यार, अभी हम निकलते हैं। बाकी गाइस 8K सब्सक्राइबर्स हो गए यार, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आप सबके यार, जिस चीज़ ने मेरे को सपोर्ट किया यार। गाइस अभी ऐसा मैं यहाँ पे नाशे टनल में, और यहाँ पे देख रहे हो यार कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई ये टनल किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है, 4 रुपये भी गाइस ट्रैफिक होना यार, इसलिए बुरा हाल हुआ गर्मी से, साइड चेक करो यार ट्रैफिक पीछे, मक्की खानी है कहना, जो मक्की खानी है मेरे सब्सक्राइबर्स को, मक्की खाएंगे मक्की भाई। अभी ना गैस हम इनसे चला रहे हैं गैस काम, क्योंकि यहाँ पे गैस अगर हम उतरेंगे यहाँ पे खाने खाने के लिए दुकानें भी नहीं है, तो गाड़ी इधर से निकल जाएगी। अब गैस हम इनसे काम चला रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ, टाइम क्या हुआ टाइम देखना ज़रा गैस, जहाँ पे 2 घंटे लगने थे ना हमें वहाँ पे ये चेक करो गैस 3:05 हो गया टाइम, कम से कम अभी हमें जहाँ पे ना कोई 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था यार। इधर देखो भाई लोग पूरे खेत बैठे हुए हैं, यहाँ से क्या फायदा गाइस ऐसे टनल का जो इसमें गाइस ट्रैफिक हो, इससे तो बाहर से था यार बोरा गाइस पुराना वाला रोड साइड से, तो गाइस ओवरलोडिंग चढ़ी हुई है पूरी यहाँ से,
एक बंदा नीचे जाएगा और बाकी लेके आना सारे, तो वही खाने ही खाने। सो गाइस देख रहे हो अभी आ गए हैं हम रामबन में, और यहाँ पे देख रहे हो यार ढोल कितने ज़्यादा यार यहाँ की फेमस, और उस वाली बस में हम आए उधर पीछे है जो मेरे को समझ आ रहा है ट्रैफिक है यार इतना ज़्यादा क्यों होता है यार ये चक्कर। बाकी गाइस अपना आउटफिट शर्ट कार्गो पैंट और साथ में नीचे जूता लगा हुआ है ब्लू कलर का, पता नहीं अब गाइस हमें यहाँ पे गाड़ी मिलनी चाहिए नील की, हमारा लगा जाए क्या लगता है तेरे को नील की गाड़ी मिल जाएगी? मेरे को तो गाइस लगता नहीं है कि इस टाइम पे हमें नील की गाड़ी मिलेगी, चलो फिर भी देखते हैं। वहाँ पे रुके हुए अभी हमने ना गाइस रामबन क्रॉस कर लिया और अभी हम इस गाड़ी में आए क्योंकि गाइस गाड़ी वगैरह थी नहीं वहाँ पे, अभी हम किया में बैठे हुए यहाँ पे चेक करो यहाँ पे अपना बैग तुम दस रुपये पानी कहाँ गया हुआ है, तो अभी हम अगले साइड चलते हैं यार ट्रैफिक देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तेरे को क्या लगता होगा ट्रैफिक खत्म? भाई मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैफिक कितना ज़्यादा है यार, मेरे को लगता ही नहीं कि खत्म होगा यार आज। हाँ इधर अगली साइड चार चार लाइन लगी है, देख लो गाइस चार चार लाइन लगी है वहाँ से, देख लो गाइस बंदे कितने ज़्यादा है। अभी हम गए यहाँ पे फोटो वगैरह करेंगे, बाकी इधर से नीचे देख लो डेंजरस लोकेशन, इधर से नीचे देख भाई अगर इधर से नीचे बंदा गिरेगा ना गाइस, ओह चेक करो भाई यहाँ से और इधर से गाइस इधर देख ये देखो गाइस ट्रैफिक यहाँ से, अबे भाई साहब ये देख रुक मैं टेस्ट करता हूं पागल इधर देख दिखा दी चल टेस्ट कर बाहर जा बैक यार ऐसे रिस्की है यार कसम से, ये देख रहे कितना डेंजरस है यार वो रोड देख, इधर से रोड भी निकलने पाया हुआ इधर वेस्ट डार से चलाएंगे वेस्ट डार को गाइस चलाएंगे कि इधर से नीचे छलांग मारे, ये देख इधर देख अगर बारिश आएगी ना ये देख ये रोड जल्दी निकल जाएगा है ना आराम से वहां पर, ये देख सारा और इधर देख पूरा नीचे और नीचे चिनाब और साइड देखो गाइस एरिया कैसे कैसे है ऊपर वो क्या वहां पे वो पता है वो पता है वहां से किस कहां के लिए रास्ता जाता है एक बार मेरा मेरे तो आउटफिट दिखा यार एक बार फिर भी गाइस आप कमेंट कर देना कैसे लग रहे हैं। सो फाइनली गाइस अभी ना जो हमारा गाड़ियों का सफर था गाइस वो सारा ओवर हो चुका, अभी भी सफर था बट गाइस हो नहीं पाया यहाँ पे ना गाइस हम फेल हो गए बट गाइस हम ना झुकने वाले नहीं हम पैदल ही चलेंगे गाइस, लेकिन हम रुके नहीं कहीं पे है ना सही बात है, हम गाइस खाने के लिए भी रुके, आप सबको गाइस यकीन होगा हमने सिर्फ गैस पानी की बोतल ली थी जम्मू से वो भी गैस हमने थोड़ा सा पिया आधा और उसके बाद हमने गैस छोड़ दिया, उसके बाद गैस हमने कुछ भी नहीं पिया है ना पानी ना खाया, हमने कोशिश की गैस हम जल्दी पहुंचेंगे फिर उसके बाद आराम से घर पर रेस्ट करेंगे खाना शाना खाएंगे, बट गैस खाने के साथ साथ ना गैस गाड़ियाँ भी सारी छूट गई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना गैस आप सबको मैंने दिखाया था गाड़ियाँ तक नहीं हिल रही थी एक जगह पर ना गैस बड़ा पुट्ठा सीन हो गया था गैस हम जिस गाड़ी में गैस हम बैठे थे ना उन्होंने कम से कम 60-70 की स्पीड में थी और सामने वाली गाड़ी ने ना गैस एकदम से ब्रेक मारी फिर बंदे ने ना गैस स्किड मारते मारते कट मार लिया भाई बड़ी मुश्किल से बच गया यार मेरे को लगा उस टाइम पर हम गए यार शौक ही उड़ गया भाई। और बाकी इधर से देखो यार ये रोड की हालत, मैं इसलिए इस पे इधर पे रुका था गाइस मैं आपको ये दिखाना चाहता कि गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगे, देखो रोड पूरा बंद है इधर से देखो भाई अब ये उधर से पुल है इस वजह से गाइस रोड खुला है वरना सोच लो गाइस कुछ ये इसको कुछ ही महीने हुए गाइस पुल को बने हुए वहाँ से तो इसलिए रोड वहाँ से जाता है सीधे डायरेक्ट और बाकी उससे पहले ना गाइस यहाँ से चलता था, अब सोच लो गाइस अगर ये वाला रोड होता तो यहाँ से भी बंद था, ये देखो इधर को बंदा कोई ऑप्शन नहीं है गाइस कि यहाँ पे रोड को ठीक कर सकता बंदा है कि नहीं, या तो फिर पूरी पहाड़ी तोड़नी पड़ती तो 10 दिन लगते, देखो आप मेरे को बताओ गाइस क्या यार क्या हालत है यार ये रोड की, तो बंदा यार पैदल चलने में भी डर लगता है यार फिर गाड़ी की तो दूर की बात है और थक गया तो नहीं गाइस। अभी ना हम यहाँ पे थोड़ा कुछ खाएंगे क्योंकि गाइस मेरे को पता आगे हमें दुकानें मिलनी है नहीं, और गाइस जब तक आपको पता होगा कि गाइस बैकवर्ड एरियाज में ना ऐसा होता है कि दुकानें गाइस जल्दी बंद हो जाती है शाम जो है अंधेरा होने लगता है ना दुकानें भी बंद होती है, इसलिए गाइस हम यहाँ पे खाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो गाइस जम्मू नहीं आया कि कहीं पे भी दुकान मिलेगी तो खा लेंगे बाद में भी, पर गाइस हम यहाँ पे पहले खाएंगे कुछ मेरे को पता उसके बाद दुकानें सारी बंद होंगी तो उसके बाद गाइस हम चलते जाएंगे भाई है ना, क्योंकि अगर हम अभी खाएंगे नहीं फिर रात को भूख लगेगी ना ही हम चल पाएंगे है ना, लंबी मार्च करना पड़ेगा है ना, तो अभी गाइस हम पहले कुछ खाएंगे यहाँ पे तो रुकते हैं कहीं पे आप सबसे भी गाइस मिलते हैं। गाइस ये चक्कर अभी आ गई यहाँ पे हमारी चाय पकौड़े और मटर, हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं खाएंगे गाइस क्योंकि फिर चलने भी नहीं आएगा, कुछ भी खाएंगे हम लेकिन चाय के साथ बस इतना काफ़ी है और पानी भी पीते हैं, पानी देखना ज़रा ठंड पानी होगा उसके पास पूछना तो पानी पियेंगे हम गाइस, प्यास ना बहुत ज़्यादा लगी है ठंड नहीं होगा मेरे ख्याल से, वैसे गाइस यहाँ पे तो ठंड होता है ये वाला पानी भी। ये वाला पानी भी गाइस नॉर्मल ही है ठीक है, और गाइस एक चीज़ को ना जब मैं आते ही ना वो कन्फ्यूज़ हो गया यार ये चक्कर यहाँ पे गाइस आर्टिफिशियल वाटर वाटर तो गाइस ठीक है बट गाइस ये देखो यहाँ से नल पूरा फ्री है और ये ना इसकी वजह से चल रहा है लाइट पे चल रहा है, ये आर्टिफिशियल है पानी तो रियल है बट इसको मैं लेके कंफ्यूज हो गया था और उसके बाद फिर ये भी हो गया कंफ्यूज, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं मैं अंदर अंदर से सोच रहा था ये क्या है यार क्या नहीं है बट फिर मेरे को आखिरकार पता ही चल गया, अभी हम चाय पीते हैं टेस्टी है चाय मज़ा आ रहा है, तो
तो अभी गाइस हम भी चाय शाय पीते कुछ खाएंगे तो उसके बाद मिलते हैं सबसे। ये क्या यहाँ पे यार, अच्छा अच्छा भूल गया इधर पे, चलो कोई बात नहीं। सो फाइनली गाइस अभी मैं गाइस अपने घर के बाहर आ गया हूँ। गाइस मैं आप सबको दिखाता हूँ इधर से ना गाइस, इतनी सुनसान जगह है ना गाइस, मैं ऊपर से ना अकेले आया अभी ना गाइस, मैं वॉशरूम के बाहर हूँ यहाँ पे। तो मैं सभी गाइस मुंह वगैरह धो के जाता हूँ यहाँ से, घर वालों का रिएक्शन है तो गाइस घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं घर आया हूँ। गाइस अभी ना 10 बज रहे हैं, मेरे को पता है घर वाले सारे शौक हो जाएंगे भाई आया कहाँ से ये चांद का सितारा। अभी ना मेरे को सीन में वाकई में ऊपर से डर लग रहा था, बट गाइस मैं डरा ही नहीं, फिर भी डर लग रहा था, डरा ही नहीं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा यार, डर ही नहीं लग रहा था यार, क्या पता यार, लगता है मेरे को लगता है कि मैं स्ट्रांग बन गया हूँ यार, और मेरे को डर नहीं लगता है किसी चीज़ से। तो अभी गाइस मैं घर वालों से रिएक्शन लेता हूँ सबसे पहले होगा क्या, फिर उसके बाद गाइस मैं आप सबसे बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं कैमरा ऑन रखूँगा तो वो फिर रिएक्शन मेरे कुछ भी नहीं लेंगे, वो सारे मुँह छुपाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं, फिर आप सबको बताता हूँ। सो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे घर पे आ गया ना गाइस, अब ना घर वालों का रिएक्शन इतना खतरनाक था ना भाई, कसम से मैं बता नहीं सकता भाई कितना खतरनाक, घर वाले शौक हो गए भाई अचानक कहाँ से आ गया यार। तो अभी ना गाइस मैंने खाना शाना वगैरह खा लिया, मैं फ्रेश हो चुका हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं गाइस थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को गाइस नींद आ रही है, मन कर रही सोने का, लेकिन ये चक्कर गाइस अभी तक मैं खा के रहा था भाई, मैं बताता हूँ गाइस मैंने जेब में डाल दी गन, सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पर रूम ख़राब होगा सफाई वगैरह करके, तो अभी नहीं चाहता गाइस कि मैं यहाँ पर ख़राब हो। देखते हो गाइस ये चीज़ें खा रहा था अभी तक मैं यहाँ पर पड़ी हुई थी ऑलरेडी, और ये देखो कम्बल भी यहाँ पर तैयार है। अभी ना गाइस मैं सोऊँगा, और गाइस जम्मू में ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ पे इसको तो गाइस देखने का भी मन नहीं करता है, बट इधर पे ना ये भी कम लग रही है। मैं सोच रहा हूँ रात को कहीं मेरे को दूसरी ना खोलनी पड़ी अलमारी से, इधर से डेकोरेशन वगैरह ये है जब भाई की शादी थी तो उस टाइम पे लगाई हुई थी, ये अभी तक गाइस निकाली नहीं है क्योंकि गाइस हम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं आज ना गाइस, लगभग कम से कम हमारे को गाइस मैं तो आ रहा हूँ कोई ज़्यादा दिन, तो गाइस मैं 6 महीने के बाद आ रहा हूँ लगभग आज, नहीं घर वाले तो इससे पहले भी आए लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी इधर से देखो यार बैलून वगैरह अभी भी लग गए, तो अभी मैं वो वाला बल्ब निकाल के यहाँ पे लगा दूंगा, ज़्यादा सही रहेगा बेड पे, तो फिर ज़्यादा लाइट बढ़ेगी यहाँ पे। तो अभी फिलहाल अब मैं यही करूँगा गाइस, अब मैं रेस्ट करूँगा यार, थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर ब्लॉग जिस टाइम पे गाइस मैं एडिट करूँगा उस टाइम पे गाइस अगर पूरा ब्लॉग बनाऊंगा तो ये वाला गाइस ब्लॉग यहीं पे एंड होगा, अगर गाइस पूरा नहीं बनाऊंगा तो गाइस कल वाला ब्लॉग मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा।